morning friends <coughs> again welcome for the physics lectures on capacitor today we will continue with the problem solving on capacitors and maybe uh, tomorrow i will take a short recap short revision of whatever i have taught as per the wish of some students some students asked me sir uh, can you make uh, one video of recap actually, it is not necessary because uh, all the videos are there with you. You may uh, see at any time. I have not deleted at all any video, so but it's okay. Uh, I will try to take the recap tomorrow. <coughs> Today, we will solve the problems. So, let's start with the problems. So, first problem problem is that find the capacitance of one second let me adjust the resolution okay now it it may be okay correct okay <clears throat> find the capacitance of system of three capacitors of course parallel plate of area a connected as below these are the th three plates hmm? one this is one plate this is another this is another area of each plate is a this is number one plate area is a another is having area a area area means don't see this thickness huh? area means it can be ha, seen like that all can be seen like this okay ha. so each each is having area a and the distance d now battery is connected hmm? batteries get connected then they are asking find the capacitance of the three capacitors and they are telling they are parallel plate capacitors <coughs> now there are two methods of doing that so method one in method one you consider you, you uh, make them number okay give them number one two three four like that okay once you give them numbers your work will be easy what you can do okay here you give give that one two and three i've given here so hmm? one two again two is common two and three so there's one capacitor plate one plate two two is again connected i will write it separately but it is not separate actually it is common but in in order to show the capacitors

तो वन पॉजिटिव कहे टू निगेटिव कहे थ्री पॉजिटिव कहे टू निगेटिव कहे मतलब कैन आई राइट द सर्किट लाइक दिस वन इज फॉर पॉजिटिव सो आई विल राइट वन थ्री इज ऑल्सो फॉर पॉजिटिव थ्री एंड हियर आई विल राइट टू टू हैज मेड कॉमन एंड इट हैज बीन कनेक्टेड टू निगेटिव सी दिस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी तो ठीक है दोनों भी कैपेसिटी कैसे हैं पैरल में है अगर एक कैपेसिडेंस में सी बोलूँ दूसरे का सी बोलूँ तो टोटल पैरल कैपेसिटी कैपेसिडेंस कितना होगा सी प्लस प्ली सी दैट इज टू सी दैट ओनली इज गिवन ओके सो हियर आई हैव ट्राइड टू शो दैट हाउ दे आर कनेक्टेड दिस ओके सो द सेम आई है सो इफ इट इज टू सी दैट विल बी टू सी का मतलब क्या है ए इफ सिलोन नॉट अपॉन डी तो प्रॉब्लम लुक्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट सो वाइल यू गो फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम इट्स वेरी ईजी फॉर यू ओके सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन ये और भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते इसको बोलते हैं चार्ज मेथड क्या बोलने का चार्ज मेथड पहले वाला था वो प्लेट मेथड से दिया था मतलब ऐसे नाम मैंने दिया उसको दैट्स नॉट एक्चुअली द नेम लेकिन कुछ तो नाम होना चाहिए ना अभी उसको नाम दिया मैंने प्लेट मेथड और उसको दिया मैंने चार्ज मेथड अभी बेटा चार्ज मेथड में क्या होता है देखो आपको एक मालूम होना चाहिए यू मस्ट बी नोइंग फॉर कैपेसिटर बेटा दिस प्लेट्स आर देर माइंड

टू माइक्रोकुलम है इसका मतलब क्या है इस प्लेट पे आपका प्लस टू माइक्रोकुलम चार्ज डिपॉजिट होगा और यहां प्लेट पे, इस प्लेट पे यहां पे आपका माइनस टू माइक्रोकुलम चार्ज डिपॉजिट होगा मतलब एक दिए हुए कैपेसिटर के लिए आप जो टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हो दैट टोटल चार्ज कैन बी कंसिडर्ड प्लस फॉर वन प्लेट एंड माइनस फॉर अनदर प्लेट तो बड़े यहाँ पे कैसे है ये सेम प्रॉब्लम ये प्लस कहाँ कहाँ पे गया है यहाँ पे भी गया है यहाँ पे भी गया बराबर तो एक ही टर्मिनल दो जगह पे गया है और इधर तो एक ही जगह पे गया इधर दो जगह पे गया है हुं? तो उसको बोलेंगे हम Q1 इस प्लेट पे और Q2 टू और इसको क्यू थ्री बोलते और इसको बोलते क्यू टू तो बेटा जितना चार्ज क्यू टू पे निगेटिव कोर्स हाँ मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा क्यू टू बट ये निगेटिव रहेगा सपोज तो जितना चार्ज प्लेट टू पे डिपॉजिट होगा उतना ही चार्ज प्लेट वन और थ्री मिला के हो जाए बराबर तो वही इधर मैंने दिखाने का ट्राई किया वी नो दैट इफर इफ वी कन्वर्ट द कैपेसिटर इफ़ यू कनेक्ट द कैपेसिटी टू द बैटरी मैंग इट्स ओके आई कैन एक्सप्लेन डायरेक्टली तो यह मैंने बताया वो समझ गया आपको ये जितना चार्ज इसके ऊपर होगा द सेम चार्ज विल भी विद दिस कॉम्बिनेशन सो ऑफकोर्स क्यू वन प्लस क्यू थ्री विल बी इक्वल टू क्यू टू ओके सो देन यू कैन गो विद द सिंपल मीन्स यू कैन टेक क्यू एंड क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आपका काम हो गया तो ये माइनस टू क्यू अगर आपको चार्ज मिल गया टू क्यू मिल गया तो टू का मतलब क्या है ऑफ कोर्स दे मस्ट बी इन पैरेलल इन ऑर्डर टू गेट टू सी दैट इज द थिंग दिस मेथड इज क्वाइट क्रिटिकल बट यू मस्ट नो दैट मेथड फर्स्ट मेथड इज वेरी इजी दैट वॉज अबाउट द सेकेंड नाउ नॉट सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड मेथर्ड आई विल गो फॉर अनादर मोर वन मोर प्रॉब्लम ओके इट्स वेरी सिम्पल बट आई थिंक इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फाइन द इक्वलिटी ऑफ द सिस्टम बिटवीन एक्स एंड वाई गिवन क्या दिया है सी वन सी फाइव सी वन और सी फाइव कितना दिया है माइक्रोफेरेट दिया है ये और ये सी टू सी थ्री ये दिया है टू माइक्रोफेरेट ओके और सी फोर बी तो ये एक दो और तीन ये हो गया टू माइक्रोफेरेट और सी वन सी फाइव ये हो गया वन माइक्रोफेरेट थोड़ा पहले इसको रिराइट कैसे करते दिखा था इसको ये है ना इसको थोड़ा ऐसे देखो बैठा ऐसे आपको समझने के लिए ऐसे दिखा था तो इसको इधर करो इसको इधर करो तो देखो क्या हो रहा है हाँ थोड़ा जजमेंट ले लो मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखा फटाफट -फड़ करना पड़ेगा टाइम कम है देखो बेटा इसको बोलो x और इसको बोलो y x और y के बीच में कौन है x और y के बीच में c फाई है पहला आपका है ना तो इसको मैं दिखाता हूँ सी फाई बाद में बाद में C2 C3 ओके okay, C2 C3 और उनको पैरेलल C1 और यहाँ पे C4 तो Y से C4 चला गया सपोज़ C4 X से C1 C1 C5 के साथ कौन कौन चला गया C2 भी चला गया और C1 भी चला गया इसको बोलता हूँ सी वन इसको बोलता हूँ सी टू सी टू के आगे कौन है सी थ्री है और सी वन सी थ्री इकट्ठा होके सी फोर को मिल रहे और सी फोर बाद में वाई को मिल रहा है अगेन लेट मी एक्सप्लेन एक्स एक्स के बाद में एक्स और वाई के बीच में सी बाद में एक्स के आगे सी टू इसको बोलता हूँ सी टू एक्स के आगे सी टू और सी वन भी तो मैंने पहले सी वन निकाल दिया बाद में सी टू सी टू को कनेक्ट है सी थ्री नाउ सी थ्री और सी वन इकट्ठा होके सी फोर को और सी फोर आता है वाई को तो ये डायग्राम तो है अभी तो ठीक है अभी फटाफट फ़ड़ डायग्राम बनाते ये बन गया एक्स ये बन गया अपना सी ये बन गया वाई एक्स के बाद कौन बोला था मैंने ये C1, ये C2, ये C3, ये पैरल हो गए दो बाद में इधर एक कैपेसिटर जोड़ो और ये C4, हो गया अभी क्या करने का अभी C2 C3 का सीरीज़ लेने का C2 C3 कितना है टू टू है तो तू और तू टू और टू का सीरीज कितना आता है टू और टू का सीरीज आता है वन तो ये हाँ ये आ गया वन माइक्रोफैरेट और ये वन का अभी डायरेक्टली बता रहा हूं आपको वन का सी वन कितना वन से वन का वन से पैरल टू टू माइक्रोफेरेट आ गया तो देखो आप पहले इसका और इसका कितना आया ये दोनों का मिला के वन माइक्रोफेरेड ये वन माइक्रोफेरेट ये भी वन माइक्रोफेरेड वन का वन का दोनों का मिला के पैरल कितना है वन प्लस वन टू माइक्रोफेरेट ये बन गया अभी टू माइक्रोफेरेट टोटल और टू का सी फोर कितना है टू से टू का टू से सैरीज टू का टू से सैरीज तो उसका उसका आधा आएगा टू का टू से सीरीज उसका आएगा वन माइक्रोफेरेट और बाद में सी फाइव कितना है आपका वन माइक्रो सो वन का वन से पैरल आएगा टू माइक्रोफेरेट देखो बेटा फिर से एक बार बता देता हूँ मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है फटाफट फटाफट फट 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 इट्स ओके डायग्राम फिर से नहीं निकलता देखो सी टू कितना है सी टू है दो सी थ्री है दो दो और दो का सीरीज आएगा आधा उसके तो वन माइक्रोफ़ेड तो ये ये दोनों का मिला के हो गया वन उसको पैरेलल में वन वन पैरेलल वन दो आएगा टू तो ये बन गया टू टू को सीरीज में टू फिर से बोला टू का सीरीज टू के साथ तो वन हो गया और वन वन पैरेलल उसका हो गया ये वन और ये वन पैरेलल उसका हो गया टू माइक्रोफेरेट इन दिस वे सर्किट्स कैन बी सॉट ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज इसका प्रैक्टिस करो हाँ स्पेशली ऐसे जो सर्किट होते ना ऐसे सर्किट निकालने का हुँ? और फटाफट -फड़ ट्राई करने का करने के लिए बी सी 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 डायरेक्टली बोलो डायरेक्टली बोलो सी 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 थ्री सी टू सी थ्री सी और टू सी का पैरेलल, थ्री टू सी स्क्वायर अपॉन फाइव सी सो इट इज़ सिक्स सी बाय फाइव हो गया इतना फटाफट 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 अगर अगर आप करते गए तो आपको आएगा दूसरा एक दिखाता हूँ आपको मेरे पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है लेकिन दिखाता हूँ आपको एक दोन तीन ओके बाद में ये बाद में ये बाद में ये दो बाद में ये और इसको पैरेलल ये सबको बोला सी कितना होगा सी 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 ये जा हो जाएगा थ्री सी 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 टू सी ओके और ये दोनों का मिला के करके लेने का ये सी बाय टू अभी कितना है थ्री सी टू सी और सी बाई टू इसका पैरल निकालने का थ्री सी टू सी सी बाई टू 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 विल गेट कैंसल सो इट विल बी थ्री सी क्यूब अप अभी दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन थ्री टू ज़ा सिक्स सी स्क्वायर प्लस टू टू वन जा टू बट ये ये हाफ है तो इधर सी स्क्वायर प्लस थ्री सी बाय थ्री सी स्क्वायर बाय टू और ये जितना कितना आएगा उसका उसको फिर से सी में ऐड करने का मतलब ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली करते गए तो आपका भी कैपेसिटर अच्छा हो जाएगा इट्स ओके नेक्स्ट लेक्चर में आगे का प्रॉब्लम सीख लेते थैंक यू